हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है और दिन है ये वेनेसडे का, बुधवार का। तो यहाँ पर मैं आज सुबह ये बना रही हूँ इडली सांभर। तो मैं डायरेक्ट कुकर में बना रही हूँ, आज जल्दी बन जाएगा क्योंकि सुबह की टाइम उतना टाइम नहीं होता है, बहुत काम रहता है सुबह नाश्ते वगैरह का भी। तो मैंने बस दाल है ना थोड़ा सा भिगो के डाला है और साथ में मैंने वेजिटेबल्स में लौकी ली है, टमाटर, प्याज और साथ में जो ड्रमस्टिक होता है ना वो मैंने चॉप करके उसमें डायरेक्ट बॉयल में बॉयल करने के लिए ही डाल दिया है। तो इडली देखिए मैंने बना ली थी, सबसे पहले मैं जब किचन में आई थी तो इडली चढ़ा दी थी ताकि इडली बनती रहे, बाद में दाल वगैरह धोई और सब्ज़ी वगैरह काटी उसके बाद कुकर में चढ़ाई तो इडली रेडी हो गई थी। तो यहाँ पर गार्वी के लिए रख दी है लंच में 2 इडली, तो वो उतना ही खाती है लंच में, और इनके पापा को भी, उसके पापा को भी मैंने इडली रख दी है टिफ़िन में क्योंकि इडली बन गई थी। तो यहाँ पर देखिए दाल में सीटी लग गई है और अच्छे से बॉयल हो गई है दाल। तो यहीं पर अब सारे मसाले डालेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने सांभर मसाला ऐड किया है इसमें और इसको थोड़ा सा यहीं पर बॉयल करेंगे। इमली पीस के रख ली थी तो इमली इधर ही बॉयल कर दी है और ऊपर से बाद में तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर गुड़ ऐड कर रही हूँ तो थोड़ा सा सांभर है ना खट्टा मीठा अच्छा लगता है। और बल्कि मैंने देखा है, मैं अलग से जैसे मसाला फ्राई करके जब बनाती हूँ ना वो सांभर मुझे उतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे ये अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए थोड़े से और मैंने ड्राई मसाले ऐड किए हैं, हल्दी, नमक वगैरह थोड़ा ऐड किया, पानी ऐड किया था क्योंकि थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, थोड़ा पानी ऐड किया। और उसको अब अच्छे से बॉयल कर लेंगे और इधर एक साइड कर लेंगे तड़के की तैयारी। तो सब्जियां पहले ही डाल दी थी सारी। तो यहाँ पर देखिए तड़के में लिया है हींग और साथ में गया है राई और यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा लहसुन, अच्छे से पका लेंगे लहसुन को। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता ऐड नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि जल जाएगा, तो गैस को थोड़ा बंद करके लास्ट में करी पत्ता ऐड करूँगी। तो वो कड़ी पत्ता तो थोड़े में ही चटक जाता है तो पहले नहीं ऐड कर रही क्योंकि वो एकदम टाइट टाइट काला काला हो जाता है, मुंह में आता है खाते टाइम। तो यहाँ पर पहले इसको मैंने लहसुन को भून लिया है अच्छे से और उसके बाद देखिए गैस को करेंगे बंद और यहाँ पर करी पत्ता मैंने ऐड किया और उसको अब डालेंगे डायरेक्ट हम कुकर में। यहाँ पर तो दाल भी हो गई और थोड़ा सा प्लेट लगा के मैंने ताकि छींटे ऊपर ना आए। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया है तो सांभर देखिए बन के रेडी है और बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, इमली गुड़ वगैरह सब मिक्स किया था। और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने इडली फ्राई की है नाश्ते के लिए, गार्बी को ब्रेकफास्ट भी देना होता है तो उसी में से मैंने इडली फ्राई कर दी थी। तो यहाँ पर देखिए टिफ़िन पैक कर लेते हैं, गार्बी के लिए दाल निकाल देते हैं, वो बाद में आके भी खाएगी स्कूल से आने के बाद तो उसको अलग से निकाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब डालेंगे हम थोड़ा सा मिर्ची, तो यहाँ पर मिर्ची पाउडर ऐड किया है और अब साथ में ही उसके पापा को भी हम टिफ़िन में डाल दूंगी और उसके बाद इनको थोड़ा ठंडा होने दूंगी क्योंकि ऊपर से मैं जो प्लास्टिक फूड पेपर आता है ना वो लगाती हूँ ताकि है ना सब्ज़ी बाहर ना निकले, बैग ख़राब हो जाते हैं नहीं तो। इस वजह से थोड़ा सा मैंने ठंडा होने के लिए बाहर पंखे में रख दिए हैं दोनों बॉक्स, गार्बी वाला भी उसके पापा वाला, और एक टिफ़िन में मैं उनको खीरा डाल दूंगी। तो खीरा वो मैं सुबह लंच में है ना इनके लिए मैं डेली डालती हूँ, वो खीरा खा लेते हैं, शाम को उतना नहीं खाते हैं, सुबह मैं डेली उनको एक खीरा काट के देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारा खाना मैंने हॉल में ला के रखा था क्योंकि ठंडा होने के लिए रखा था दाल वगैरह। तो अब पैक कर देते हैं पूरे खाने को, इधर गार्बी रेडी है, उसके पापा रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लगा देते हैं अभी प्लास्टिक फूड पेपर, ये बहुत सही है, मतलब ये से ना कोई भी सब्ज़ी, हम बाहर भी जाते हैं ना ट्रेन वगैरह में तो अचार वगैरह में है ना ऊपर से इसको पैक करके ले जाती हूँ तो बिल्कुल भी टिफ़िन बैग वगैरह है ना कुछ भी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये देखिए गार्बी के लिए अभी नया सेशन शुरू हुआ है तो सारी चीज़ें नई आई हैं, उसका टिफ़िन भी बैग भी, टिफ़िन बैग है जो उसका और उसकी बॉटल वॉटल सब उसको नए लेके आए थे तो उसका बैग पैक कर दिया। यहाँ उसके पापा का भी लंच बॉक्स बैग है जो रेडी कर देते हैं, मैं अपना काम कर देती हूँ, बाकी जब इनको जाना होगा तब जाते हैं, मगर मैं लेट हो जाऊँगी तो फिर महासंग्राम हो जाएगा कि इतना बच गया इतना बच गया, और ख़ुद चाहे कितने भी लेट चल जाएँ। तो देखिए सारा सामान ला के रख दिया है क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है मेरे हस्बैंड कभी हेलमेट भूल गए हैं, कभी अपना लैपटॉप बैग ही भूल गए हैं ऑफिस से वापस आए, तो मैंने कहा चलो मैं गार्बी का इकट्ठा करके रखती हूँ तो अब इनका भी साथ में इकट्ठा करके रखूँगी। एक दिन तो लैपटॉप बैग ही भूल गए अपना, ऑफिस जाने के बाद जब बैठे हैं तब याद आया कि लैपटॉप ही लेके नहीं आए, तो वापस ऑफिस से आए थे और बेंगलोर का वैसे ही ट्रैफिक इतना रहता है तो मैं तब अब है ना चारों चीज़ें मतलब उनका बैग वगैरह, उनका हेलमेट, कभी हेलमेट भूल जाते हैं तो सब मैं साथ में रख देती हूँ आजकल। तो
तो देखिए दोनों लोग चले गए हैं, उसको छोड़ के आ गई हूँ और फिर आके मैं अब आराम से यहाँ पर 15 से 20 मिनट बैठूँगी, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भागदौड़ हो जाती है ना, खाना वगैरह गाड़ी को रेडी करना, टिफ़िन पैक करना, बहुत भागदौड़ हो जाती है, बहुत जल्दी 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 करना होता है। तो यहाँ पर अभी मैंने पानी पिया है, गर्म पानी, और थोड़ा सा टीवी चलाई है और मैं थोड़ा सा रेस्ट की, और उसके बाद फिर से आ जाते हैं किचन में। तो पहले तो किचन को क्लीन करेंगे, क्योंकि आज इडली सांभर बनाए थे ना, तो किचन इतना भयानक गंदा हो रहा है और बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, इडली बनाते हैं ना तो बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, खाना बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है लेकिन बर्तन है ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तनों को अभी है ना मैं खाली करूँगी, क्योंकि किचन का काम ख़त्म हो जाता है ना तो लगता है घर का आधा काम ख़त्म हो गया है। अभी ये किचन पूरा साफ़ हो जाएगा, बर्तन क्लीन हो जाएंगे तो फिर उतना नहीं रहता है, झाड़ू पोछा फिर भी हो जाता है जल्दी से। तो देखिए सारे बर्तन मैं खाली कर देती हूँ, क्योंकि अब मेरा ही खाना बचा है, ये दोनों तो लेके जा चुके हैं, गार्बी का भी लंच स्कूल में चला जाता है, आके वो बहुत थोड़ा बहुत खाती है, 3 बजे आती है, तो बस मेरा ही खाना बचा है। तो वो सब मैं आजकल मैं अपना खाना भी है ना सुबह ही बना के रख देती हूँ, क्योंकि उतना फिर अब अकेले के लिए फिर से ना पूरा गैस गंदा हो जाता है, रोटी वगैरह भी बनाओ तो सब फिर से पहुँचो तो मुझे आलस आता है, आजकल मैं अपना खाना भी सुबह ही बना के रख देती हूँ। तो मेरा किचन का काम है ना मैं सुबह ही फ्री कर लेती हूँ, पहले मैं दोबारा रोटियाँ वगैरह सेकती थी 1 बजे, क्योंकि गार्बी 1 बजे स्कूल से आती थी तो उसको फिर मैं गर्म खाना देती थी, तो उसके साथ साथ मैं भी बना लेती थी, लेकिन अभी गार्बी भी अपना लंच ले जाती है तो मैं अपने लिए फिर वही आलस मारती हूँ, तो इस वजह से मैं अपना भी बना के रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैंने गैस को क्लीन कर लिया है जूने से, क्योंकि बहुत चिकना हो गया था, इडली सांभर ये सब बना था ना तो बहुत ख़राब हो गया था, तो मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है और एकदम क्लीन हो गया है, काउंटर टॉप साफ़ कर लिया है। और ये अब सामान रखूँगी, क्योंकि ये डब्बे वगैरह निकाले थे इनको खाने के लिए, इडली सांभर में उनके जो रेगुलर लंच बॉक्स है उसमें नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसमें उतना खाना आ नहीं पाता, इडली वगैरह उसमें 2-3 इडली आती हैं, जब भी इडली सांभर राइस या राजमा वगैरह बनाती हूँ तो ये बड़े वाले लॉक वाले टिफ़िन है उन्हीं में रखती हूँ, तो वो मैं अंदर रखती हूँ, बाहर जगह नहीं है। तो सब निकाले थे तो उस वजह से ना फिर सारा सेट किया, और उसके बाद अब आ जाते हैं बर्तन। तो बड़े बड़े बर्तन हो गए हैं, कुकर है, इडली ओवन है, तो सब हो गए हैं। तो पहले अभी इनको कर लेते हैं क्लीन, ताकि थोड़ा सा ये लगेगा कि काम ख़त्म हो गया है, किचन के बर्तन बर्तन हो जाएंगे ना तो उतना फिर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सारे बर्तन अच्छे से कर लेते हैं, वैसे भी इडली के बर्तन एकदम ये जम जाते हैं तो बहुत जूने वूने लगा के अच्छे से क्लीन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पहले करते हैं बर्तन क्लीन फटाफट से। तो देखिए बर्तन हो गए हैं क्लीन और अब आ गए हैं रूम में। तो अब आती है डस्टिंग की बारी, तो यहाँ पर करेंगे डस्टिंग। तो अभी यहाँ पर है ना मौसम एकदम ठंडा हो रखा है, तो घर में अंधेरा अंधेरा सा रहता है, क्योंकि धूप वगैरह उतनी आती ही नहीं है, और मतलब बालकनी में थोड़ा उजाला लगता है, घर में ऐसा होता है कि लाइट जला के रखना होता है, अगर मैं पूरे घर की लाइट बंद कर दूँ ना तो एकदम अंधेरा अंधेरा हो जाता है, घर में खिड़कियों में से भी उतना उजाला आ नहीं पाता है, क्योंकि एकदम है ना बादल बादल होते रहते हैं सारे दिन, तो एकदम उजाला नहीं आता है। तो हॉल में ऐसा होता है कि हॉल की खिड़कियां हैं थोड़ी बाहर की साइड, तो हॉल में मैं थोड़ा सा फिर भी ये कि लाइट तो जलानी ही पड़ती है, छोटी वाली लाइट जला के रखती हूँ
हॉल में, अंदर रूम की तो सारी बंद कर देती हूँ और दिन में हॉल में ही रहती हूँ, तो हॉल में ही है ना थोड़ा छोटी वाली लाइट जला के रखना पड़ता है, नहीं तो अंधेरा अंधेरा सा लगता रहता है घर में। तो देखिए, बेडरूम कर दिया था क्लीन, ड्रेसिंग को जमा दिया था, क्योंकि सुबह ड्रेसिंग उतना फैल जाती है, ऑयल वगैरह ये सब अपना लगाते हैं ना, तो जल्दी जल्दी बस ऐसे ही बेड पे रख देते हैं, नीचे रख देते हैं, और मैं भी गाड़ी को रेडी करती हूँ तो सामान ऐसे ही रख देती हूँ, उस टाइम सुबह बहुत जल्दी रहती है। तो ये उनका लंच बॉक्स था कल का, धोया था, तो वो मैं अभी इसको रख देती हूँ बर्तन स्टैंड में बंद करके, क्योंकि आज ये लेके नहीं गए। तो दोनों रूम है ना डस्टिंग कर दी थी, और प्रेस के कपड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रेस करनी है, तो टाइम मिलेगा जब करूँगी प्रेस। और यहाँ पर किचन तो हो ही गया था क्लीन, और रूम भी कर दिए थे, तो यहाँ हॉल की कर रही हूँ थोड़ा सा डस्टिंग, और ये सोफ़ा कवर वगैरह सब सेट करूँगी। उसके बैग हैं, ट्यूशन बैग, स्कूल बैग, सब अलग अलग रहते हैं, ट्यूशन बॉटल अलग, तो वही है कि है ना ट्यूशन बॉटल में अलग रखती हूँ उसकी अब, क्योंकि है ना क्या होता है कि स्कूल का बैग, स्कूल का जो लंच बैग होता है ना उसमें उसकी बॉटल जाती है, तो उसको तो वो वापस ले आती है, क्योंकि वो हमेशा उसके जो टिफ़िन बैग होता है ना उसी में रखी रहती है, लेकिन ट्यूशन जाती है ना तो उसका ऐसा रहता है कि है ना जाएगी फिर वापस हाथ में लेके आती है, तो कहीं भी दुकान से कुछ ख़रीदा तो छोड़ देती है, कितनी सारी बोतलें हैं कि वो खो देती है। पिछले साल उसको 2-3 बोतलें लाई, उसने सब खो दी, अभी मैं उसको 2 नई बोतल लेके आई हूँ, इसलिए एक ट्यूशन की अलग और एक स्कूल की अलग। बोतलें इतनी ज़्यादा खोती है, गार्डन में छोड़ देती है, कभी कहीं छोड़ देती है, तो आजकल मैं ना गार्डन वगैरह जाती हूँ ना, तो जो नॉर्मल मार्केट वाली जो बोतल आती है ना जिसमें पानी, पैसे का पानी आता है, जो बिस्लेरी वगैरह, तो वो बोतल में ले जाती हूँ, अगर वो छूट जाती है तो दिमाग ख़राब नहीं होता, दुख भी नहीं होता है। और ये जो बोतल इतनी महंगी महंगी आती हैं आजकल बच्चों की, स्कूल बोतल हैं जो, तो वो छोड़ देती है, तो अभी मैं उसको लेके आई हूँ 2 बोतल, तो एक तो मैं उसको ना सस्ती वाली लेके आई हूँ ट्यूशन के लिए, तो 40-50 रुपए वाली बोतल लेके आई हूँ कि वो छूट भी जाए तो उतना दुख नहीं होता है, और स्कूल के लिए अच्छी उसको स्टील की अच्छी वाली बोतल लेके आई हूँ, तो वो मैं बस स्कूल में भेजती हूँ, तो वो बैग में जाती है और बैग में ही घर पे वापस आ जाती है, उसको मैं फिर बाद में उसको नहीं देती हूँ, क्योंकि वो फिर बार बार इतनी महंगी बोतल लेना ख़रीद ही नहीं जाती है, मन ख़राब होता है बार बार बोतल वगैरह कहाँ से लेके आओ, तो वो महंगी वाली बोतल है तो वो मैं उसको स्कूल में ही देती हूँ, और उसके बाद है ना उसके लिए मैं सस्ती वाली बोतल ला रखी है, थोड़ा कि वो घूम भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको ना ट्यूशन में उतना प्यास भी नहीं लगता, क्योंकि ठंडा मौसम यहाँ पे हो रखा है, तो लेकिन बच्चों की ज़िद होती है ना कि नहीं उसको, तो उसका ये है कि बैग बोतल सब उसको लेके जाना है, तो इस वजह से ना उसका मैं अलग अलग रखती हूँ। और यहाँ पर देखिए लग गई है झाड़ू, घर की पूरी डस्टिंग हो गई थी हॉल की भी, और पूरे घर की झाड़ू लगा दी है, तो एकदम अब घर क्लीन क्लीन लग रहा है, मतलब सफाई हो गई है ना, बस पोछा रहा है, तो पोछा का उतना वो नहीं है, लेकिन चीज़ें सेट हो गई हैं और है ना झाड़ू लग गई है, तो पूरा घर एकदम साफ़ हो गया है। और यहाँ पर ये पॉट, कल धूप आ रही थी तो मैंने थोड़ा सा उधर रख दिया था, बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी, थोड़ी ही धूप थी, तो मैंने थोड़ा सा रख दिया था, क्योंकि इन दिनों में अब मैं पानी भी नहीं डाल रही हूँ, एकदम ठंड, मतलब गीले रहते हैं पेड़ हैं, एकदम ठंडी का मौसम हो रहा है, तो आप देख रहे हो बाहर का मौसम, आप देख भी रहे होंगे एकदम ऐसा हो रहा है, हवा देखो टावल कितनी तेज़ उड़ रही है, हवा चलती रहती है, अभी है ना फुल कपड़े निकालेंगे बस, अब स्वेट शर्ट वगैरह निकल जाएंगी, यहाँ पे गार्बी को तो मैं पहनाने लगी हूँ, 9 बजे स्कूल जाती है तो वो पहन के जाती है, क्योंकि ठंडी रहती है, उसको ठंड लगती है और हवा भी चलती है बाहर सुबह के टाइम। तो देखिए झाड़ू लगा के बस पोछा लगा दिया था मैंने, और नहा के आ गई थी फटाफट से, तो अब मैं करूँगी घर की पूजा, तो मंदिर थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा साफ़ सफाई कर लेते हैं, मंदिर के बर्तन हैं वो धो लेते हैं, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो मैं भी अभी सोच रही हूँ कुर्ते वगैरह ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि है ना अभी नाइट सूट में ठंड लगता है थोड़ा सा, हाफ आस्तीन की टी शर्ट्स वगैरह, मैं ज़्यादातर कैपरी वगैरह पहनती हूँ, तो थोड़ा ना ठंडी लगती है बाहर निकलने करने में, तो मैं सोच रही हूँ कुछ कुर्ते वगैरह ले लूँ डेली में पहनने के लिए, तो वो सही रहते हैं, उनमें ठंडी भी नहीं लगती है। देखते हैं, या तो फुल बाजू की टी शर्ट्स खरीदूँगी या कुर्ते वगैरह हैं वो खरीदूँगी, क्योंकि अभी इन कपड़ों में तो ना जो घर पे पजामा टी शर्ट रेगुलर में पहनती हूँ उनमें ठंडी लगने लग जाती है, और फिर जुकाम का सा होता है, और जुकाम होती है तो सर भारी हो जाता है, और अभी भी मुझे और गर्मी को जुकाम हो रही है, तब से ही मौसम चेंज हुआ है तब से, तो अभी कपड़े वगैरह ठीक से पहन के रहेंगे ना तभी ठीक रहेंगे, नहीं तो पिछले साल की तरह मतलब 1-2 महीने तक हम दोनों को बहुत ज़्यादा जुकाम और गले में दर्द वगैरह रहा था, तो अभी पहले से ही तैयारी कर लेंगे, क्योंकि पता है कि यहाँ तो मौसम ऐसा ही रहता है।
तो अब बस पूजा करके मैं थोड़ा सा एडिटिंग करूँगी और इस वाले ब्लॉग का यहाँ पर एंड भी करूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोज़ को लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा और जो चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी मैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही आपसे, बाय।